क्या आप या आपके परिवार में कोई डायबिटिक है? जानिए भारत के प्रसिद्ध डायबिटीज स्पेशलिस्ट से कि डायबिटीज को कैसे करें मैनेज, सीधे अहमदाबाद से, जहां देश विदेश के 5000 डायबिटीज एक्सपर्ट्स एकत्रित हुए हैं। डायबिटियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की एनुअल कॉन्फ्रेंस RSSDI में 22 से 25 नवंबर 2018 तक। लॉग इन करें फेसबुक पेज डायबिटीज पर चर्चा पे। वेलकम टू डायबिटीज पर चर्चा फ्रॉम RSSDI अहमदाबाद। वी हैव विद अस डॉक्टर चिराग घारा, हु इज डायबिटीज स्पेशलिस्ट एट उमा डायबिटीज सेंटर मोरबी राजकोट। डॉक्टर चिराग, कैन यू टेल अस व्हाई आर इंडियंस मोर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज? बिकॉज इंडिया में वो इसका फिनोटाइप ऐसा है, जो बॉडी फैट है वो ज़्यादा है और खाने पीने में परहेज नहीं रखते हैं, उसकी वजह से डायबिटीज इंडिया में ज़्यादा है। कॉम्प्लिकेशंस की जैसे बात किया, तो कॉम्प्लिकेशंस कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ऑन लॉन्ग टर्म इन डायबिटीज पेशेंट्स? डायबिटीज में जोइए तो हम गुजराती में कहिए तो डायबिटीज छे ये शरीर में उदय जो छे, कि जो डायबिटीज ने कंट्रोल करवामां न आवे तो पूरे शरीर जे खाई जाए छे, जेमां आ माथाथी चालू करो तो आँख, मगजनी तकलीफ, हृदयनी, किडनी, पग, આવી બધી ઘણી બધી તકલીફો ડાયાબિટીસમાં જોવા મળે છે, જો કંટ્રોલમાં ન રાખીએ તો। તો હાઈપોગ્લાયસીમિયા ભી કોમ્પ્લિકેશન તો નહીં, બહુ કોમન હૈ, લેકિન ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ મેં। સો ઉસકે ક્યા સિમ્પટમ્સ હોતે હૈ ઓર એક પેશન્ટ કો ક્યા કરના ચાહિયે અગર ઉસકો હાઈપોગ્લાયસીમિયા હોતા હૈ? હાઈપોગ્લાયસીમિયા મેં ક્યા હૈ કે પસીના જ્યાદા આતા હૈ, ધડકને તેજ હો જાતી હૈ, ઉસકો હંગરી જ્યાદા ભૂખ લગતા હૈ, એસા હોતા હૈ, હાથ પાંવ મેં કમજોરી જૈસા લગતા હૈ, और ये सब जो ऐसा होता है तो पेशेंट को तुरंत कुछ मीठी चीज़ यानी शुगर कुछ खा लेना चाहिए ताकि उसका शुगर झड़प से जल्दी से बढ़ जाए। और ये अगर नई हाइपोग्लाइसीमिया रोकना है, वो डायबिटीज टाइप 2 में है, तो उसको अगर गोली खाया है, इंसुलिन लिया है, तो उसके बाद तुरंत उसको खाना खा लेना चाहिए। अगर खाना उसका स्किप हो गया तो ऐसा हाइपोग्लाइसीमिया जैसा हो सकता है, या इंसुलिन या गोली लिया और एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिया तो भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ये हमें पेशेंट को पहले से समझाना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं करना है ताकि हाइपोग्लाइसीमिया हम कम कर सकते। डॉक्टर चिराग, आजकल SMBG सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। सो एक पेशेंट को करना चाहिए अपना ब्लड ग्लूकोज खुद मॉनिटर करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो कितनी बार करना चाहिए? SMBG जरूरी है क्योंकि पेशेंट को खुद अपने घर पर पता चलता है कि उसका शुगर कितना है और खाने पीने में क्या परहेज रखा है नहीं रखा है, तो उसको घर पे ही पता चल जाता है और इस हिसाब से उसको खाने पीने में परहेज रखना है, एक्सरसाइज कितना करना है, वो घर पे पता चल जाता है। एक तो डॉक्टर चिराग, जैसे हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए लेकिन पेशेंट्स मानते नहीं है, तो आप अपने पेशेंट्स को कैसे कन्विंस करते हो कि एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है डायबिटीज़ में? जब से मैंने मेरा डायबिटीज़ क्लिनिक स्टार्ट किया है तब से मैं मेरे क्लिनिक पर साइकिल लेके जाता हूँ कि मैं पेशेंट को बता सकूं कि मैं रेगुलर यूज़ करता हूं साइकिलिंग, तो वो करो, रेगुलर वॉक पे जाना है, और जो पेशेंट्स आते हैं उसका वर्क कौन सा है, किस तरह से वो काम करते हैं, वहां पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस स्टॉप से उसका ऑफिस है वहां तक चल के जाना है, उस हिसाब से जो भी पेशेंट आते हैं जिस तरह का आता है उस हिसाब से हम उसको एक्सरसाइज के रिगार्डिंग बताते हैं और उसका फायदा समझाते हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट कि डॉक्टर ने अपने ही क्लिनिक में एक साइकिल रखा है ताकि वो पेशेंट्स को बता सके कि एक्सरसाइज का कितना इम्पॉर्टेंस है। थैंक यू डॉक्टर कल्पेश, थैंक यू डॉक्टर चिराग फॉर गिविंग अस इन्फॉर्मेशन ऑन डायबिटीज मैनेजमेंट, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन डायबिटीज पर चर्चा।